সবাইকে বলে দাও গুড মর্নিং, সবাইকে বলতে বলো গুড মর্নিং, হ্যাপি গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, জাম্প করে দেখাবো, ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ করে দাও, ভেরি গুড, বলে হাই করে দাও সবাইকে, হাই। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह ना मैं ये जो अपम बना रही थी, तो इसका जो रेसिपी है मैं नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसके साथ बनाते बनाते मैं अपने हस्बैंड के लिए दोपहर में लंच भी बना लिया, क्योंकि ना उसको टिफ़िन में देना है। तो सुबह जब ब्रेकफास्ट करके गए और हम लोग भी किए थे, तब अपम की थी और उनके लिए लंच में बनाई थी मैं दलिया की खिचड़ी। तो इसके लिए मूंग दाल को मैं फ्राई कर रही थी और फ्राई करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं डाले थे, जैसे कि ना भेज होते हैं तो मेरे पास इतना सब्जी भी ज़्यादा नहीं थी, तो आलू के साथ मैं प्रेशर कुक कर ली, फ्राई करने के बाद दोनों मिक्स कर ली और प्रेशर कुक में डाल दी कि जल्दी जल्दी बन जाए। और ये देखो झटपट जल्दी बन भी गया, मैं टिफ़िन कर ली हूँ रेडी। और लास्ट में घी, घी देना मस्ट है, तो इससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। और उसके बाद मैं आ गई, मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, उनको टिफ़िन वगैरह सब दे दी, आ गए अभी बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए, सुबह का जो सबके काम रहता है क्लीनिंग वगैरह, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो एट फर्स्ट जाने के बाद मैं इस तरह से पहले चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद बाकी का जो काम है वो कर लेती हूँ, जैसे कि ना पढ़ाना, फिर जाके घर पोछा लगाना, फिर दोपहर का लंच बनाना, रात के लिए प्रिपरेशन करना डिनर, ये सब कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो ऐसे ही चलती रहती है। अच्छा कलर बोले दो, बोलो সবাইকে বলে দাও আমি এখন বাবাই করি, আমি খেলতে যাবো, বলো মেয়েবি খেলুগি। अभी श्याम क्या करेगी, पढ़ने बैठेगी मेरे साथ, है ना। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में घर का क्लीनिंग करने के बाद। और ये देख रहे हो पपीता, ये ना काट के मैं फ्रिज में रख दी थी, और जैसे कि ना जो स्नैक्स है मॉर्निंग का जो स्नैक्स, वो ना मैं खाना बनाते बनाते वो रेडी कर लेती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे राइस बन चुकी है और यहाँ पे ना कुंदरू बोलते यहाँ पे मिलती है, हम लोग वेस्ट बंगाल में, मैं कभी नहीं खाई थी। और ये देखो दाल भी बन के मैं रेडी कर ली हूँ, एक एक काम बैठा के मैं और एक काम कर लेती हूँ इस तरह से। ये कुंदरू होने में टाइम लगता है, तो इसको पपाया का पल्प भी निकाल सकते हो और उसके बाद भी इस तरह से यूज कर सकते हो क्लीन फेस पे। मैं ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि ना ठंडा ठंडा अच्छा भी लगता है, और ऐसे रब कर रही हूँ। तो ये घर का दिया हुआ है, आप लोग जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो, काफी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं इससे। तो मैं इस तरह से ये बार लगा चुकी हूँ और फिर लगा रही हूँ ऐसे, इसको ना इस तरह से सूख, आप लोग सबको पता है इसको ड्राई होने तक इसको ऐसे ही रखना है, और इसको पल को धीरे धीरे से इसे लास्ट तक ऐसे रखना है। बस घर में इस तरह से मैं कभी कभार कर लेती हूँ अपना जो फेस पैक वगैरह, है ना, DIY सबसे अच्छा होता है ना, बाहर का केमिकल चीज़ लगाने से अच्छा है कि आप ये सब घर पे लगाओ तो कोई हार्मफुल नहीं रहता है। और ऊपर से क्या है ना, डेली अभी बेटी को लेके स्कूल जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से टैनिंग जब होता है सर में, इधर बहुत है, तो
तो सन बहुत है, आई मीन सन का जो धूप है बहुत होता है, तो इसलिए ना थोड़ा बहुत फेस पे तो इफेक्ट पड़ता है, लाल हो जाती है एक्चुअल में, फिर ना पूरा एकदम फेस लाल बनके, और बहुत आने के बाद ना आइस क्यूब वगैरह ये सब डालना पड़ता है, नहीं तो बहुत जलन सी होती है। तो इसकी वजह से ना मैंने सोचा चलो आज स्कूल बंद है तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत घर में ट्रीटमेंट किया जाए, तो स्कूल बंद की वजह से मैं ये सब कर रही हूँ थोड़ा बहुत। और ये जब तक सूखने लगे तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, और मेरे बेटी को नहाना भी है तो वो अभी करा रही हूँ उसको, और थोड़ा बहुत किचन का तो काम है, आपने देखा ये आधा सा वो भी कंप्लीट कर ली। हेलो फ्रेंड, सो मैं ना दोपहर में आप लोगों के साथ शेयर करना एकदम से भूल गई थी कि मुझे लंच शेयर करनी है, क्योंकि ना मैं वो जो पपाया का जो पल्प है वो लगाने के बाद नहाने चली गई, और उसके बाद क्या हुआ ना थोड़ी लेट हो गई थी तो बेबी को जो खिला रही थी, तो खिलाने के बाद मुझे भी भूख लग गई थी, मैं भी खाना खा रही थी, तो और उसके बाद ना और मन नहीं की कि मैं और क्या दिखाऊँ आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा चलो अभी शाम के टाइम है थोड़ा बहुत तो एंड तो कर लूँ वीडियो, क्योंकि ना स्टार्ट तो की थी एंड तो नहीं की थी, तो इसलिए मैं वीडियो एंड करने के लिए आप लोगों के सामने आ गई थी। और एक बात बताई थी कि पपाया का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है, आप लगातार लगा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी लगा सकते हो। मेरे पास ना और एक चीज है, मैं एक दिन आप लोगों के साथ उसका जो रिव्यू है शेयर करूंगी, बहुत ही अच्छे है, आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो। और एक बात, आप लोग ना वीडियो देख रहे हो बट ना आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब मी एंड लाइक एंड शेयर करो, और आप देख सकते हो नोटिस तो कर सकते हो, क्योंकि ना जो पपाया लगाने से ना बहुत स्किन ग्लोइंग होता है, बहुत कुछ होता है स्किन का जो बेनिफिट्स है, तो मैं तो आज उसका बेनिफिट्स बताने के लिए नई वीडियो बनाई हूँ, तो मैं इतना सा ही बताती हूँ, तो चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, और एक बात मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं जैसे ना वीडियो में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहे तो मैं उसको ला सकती हूँ, इम्प्रूवमेंट कोशिश करूँगी एक्चुअल में, तो प्लीज़ कॉमेंट करना।